हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको कोई बिच कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें, और ओपन माइंड होकर रीडिंग देखा करें। आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपसे ये स्टोरी रेजोनेट नहीं कर रही, लेकिन किसी और से कर सकती है। ठीक है, तो आप इस बात को सोचा करें, मे भी कर भी सकती है और नहीं भी रीडिंग। ठीक है, रेजोनेट आपसे, तो अगर आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, ये आपकी रीडिंग है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको चीट कर रहे हैं? आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है? अपने पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। डिसेप्शन एंड एनवी। ठीक है, यहाँ पे पहला ही कार्ड डिसेप्शन एंड एनवी। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन मार्क्स लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब कि अगर ये बहुत अच्छा है तो ऐसा लगता है कि आपको मतलब कि अगर ये बहुत आपके सामने एक एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है तो आपको लगता है इसकी गलती है। ये सब कुछ जानता है, बूझता है, इसको सब पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन आपको एटलीस्ट ये लगता है ये पर्सन मैनुपुलेटिव है। ठीक है, सही गलत जानने के बावजूद, एक मेच्योर होने के बावजूद, इसको दुनिया के लिए अकल है, लेकिन इस कनेक्शन में बैलेंस करने के लिए अकल नहीं है। इस कनेक्शन में एफर्ट डालने के लिए अकल नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपको चीट कर रहे हैं? प्लीज साइन जस्ट स्पीड कर। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को इस टाइम फ्रेम पे चीट कर रहे हैं? अपने पर्सन को सोचें, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? माइन जस्ट स्पीड कर। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को चीट कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे? हार्मनी, वही पास्ट में इसने आपके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया है, जिसकी वजह से आपकी आपके माइंड में इमेज आपके पार्टनर की ऐसी है कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इसने आपको मैनिपुलेट करा है, आपसे झूठ बोला है, आपसे झूठ बहुत बोले। ठीक है, मतलब कि इसने जाहिर ये करा है कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या तो मैं खुद एक बहुत ज्यादा फंसा हुआ हूँ। ठीक है, इमोशनल विड्रॉवल, हार्मनी की एनर्जी, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली हर्ट है, इमोशनली परेशान है, क्योंकि इमोशनल विड्रॉवल, वो आपसे इमोशंस इसको नहीं मिल पा रहे, वो आपसे एनर्जी नहीं मिल पा रही जो पास्ट में मिलती थी। ठीक है, जिस तरीके से पास्ट में आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हुए, मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आप। ठीक है, ये पर्सन आप अपनी इंट्यूशन से ये चीज सेंस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर इंट्यूटिव पर्सन है। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहता है इस टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये आपके साथ एक बैलेंस चाहता है। इमोशनली पर्सन डिस्टर्ब हुआ हुआ है क्योंकि आप इससे दूर हैं। आपने ये इमोशनल विड्रॉवल सिर्फ आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर इस कनेक्शन में अब इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, या तो अपना एफर्ट नहीं डाल रहे, या तो मतलब कि जिस तरीके की भी एनर्जी है, अब आप थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्या ये पर्सन आपसे चीट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? पास्ट में बहुत ज्यादा मैनुपुलेट करा है इसने, बहुत ज्यादा आपसे झूठ बोले, बहुत ज्यादा चीजें हाइड करी हैं, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, पास्ट में आपके कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज्यादा खामोश हुआ हुआ है और आप भी खामोश हैं, रेस्ट पे हैं, दोनों डिस्टेंस पे हैं, बहुत ज्यादा मतलब के फाइट नहीं कर रहे, लड़ झगड़ नहीं रहे, आप भी अपने आप अपना मेंटल पीस को एंजॉय कर रहे हैं, और ये पर्सन इमोशनली विड्रॉवल पे। ठीक है, आप अपने मेंटल पीस को एंजॉय कर रहे हैं, जो आपको एक जेल से जो छुटकारा मिला है, जो एक आपके साथ जो बर्डन चल रहा था, जो रिलीज हुआ है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, मुझे ये लग रहा है। मूव ऑन, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, डार्क शेडो से निकल रहे हैं। जैसे जैसे मैं कह रही थी ना, बर्डन सम एनर्जी मुझे यहाँ पर मिक्स एनर्जी नजर आ रही है, आपकी भी एनर्जी नजर आ रही है और आपके पार्टनर की भी। ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रुथ सामने आने के बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, आपके अंदर एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चेंज आ रहा है। ठीक है, कोई ट्रुथ रिवील हुआ जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, डार्क साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ, एक लाइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन देख सकती हूँ मैं आपके कनेक्शन में। आप जहाँ मूव ऑन कर रहे हैं, आप जहाँ इस मसले से, इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, वहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हार्मनी चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके बिना इमोशनली पर्सन अपने आप को डिस्टर्ब देख रहा है, परेशान देख रहा है। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री और सक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रुथ आया जो आपको लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में हार्मनी बन चुकी है। सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हील हो रहा है, आपका हील हो रहा है। सोलर प्लेक्सस मतलब कि यहाँ पर आपका जो एक जो आपका जो मोरल डाउन हो चुका था ना,
यहाँ पर जिस पर्सन ने आपके मोरल को जो डैमेज दिया था, जो आपको इसने अनवर्दी फील कराया था, वहां पर काम हो रहा है आपके, ठीक है। आपको अपने आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है, अपनी अपनी अपने अंदर आप एक समझते हैं कि यार आप कोई काबिल इंसान है, आपने क्यों इस जगह ऐसी जगह सर मारा जहाँ पत्थर था, ठीक है। अब आपको ये लगता है ये पर्सन आपको, ये इंसान आपको पत्थर पत्थर के माने नहीं लगता, एक पत्थर पत्थर नुमा शख्स लगता है आपको, लगता है ये पत्थर था और आपने उसको सर मार मार के अपना ही सर फोड़ा है। तो ये बात आपको इस तरीके की फीलिंग्स आती है कि ठीक है आपने पत्थर से सर लगाया था और पत्थर को सर मारा था। तो कुछ ट्रुथ आपके सामने, आपके आपको एक बर्डन रिलीज है। मैं इस टाइम एनर्जी ऐसे फील कर पा रही हूँ बहुत केयरफुली, जैसे एक जब हम एक सनराइज होते हुए देखा आपने, जब सनराइज होता है तो ज़्यादातर हमारे जब फास्टिंग पीरियड आता है ना, जैसे रमज़ान, तो हम सनराइज़ ज़्यादातर जब ही देखते हैं, ठीक है। अक्सर हम जाते हैं अपनी छत पे और सनराइज होते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक वहाँ पर जब बर्ड्स होते हैं, चू 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 बोल रहे होते हैं, कितने प्यारे लग रहे होते हैं, कितना पीसफुल माहौल होता है, तो वो एनर्जी आपकी, मैं उस चीज़ को जैसे इमेजिन कर सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ कि वो वाली एनर्जी आपके अंदर, अब ऐसा पीस आ रहा है जैसे कोई न्यू सनराइज हो रहा है, कि जैसे कुछ न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे कोई न्यू आपको मतलब कि आपकी लाइफ में आपके गोल्स बन रहे हैं, कोई एक सक्सेसफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आपको आपको हिट कर रही है, कि आपके अंदर एक स्टेमिना आ रहा है, पावर आ रही है और एक पीसफुल माहौल है। आप बहुत बर्डन रिलीज करके, नेगेटिविटी रिलीज कर कर अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ ट्रुथ है जो आपको उसके बाद सक्सेस और विक्ट्री दे रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अपने पीस को इंजॉय कर रहे हैं, आप मेंटल पीस को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ की एनर्जी में ज़्यादा देख पा रही हूँ, और आपके पर्सन यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी में है। इमोशनली इस पर्सन को वो नहीं मिल पा रहा, इमोशनली आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं पहुँच पा रही, ना मिल पा रही है, ठीक है। जैसे पास्ट में मिलती थी, आपका जो इमोशनल टच, इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड है इमोशनल टच की, वो ये सेंस नहीं कर पा रहा, इसको वो वाइब आपकी मिल नहीं पा रही, आपकी एनर्जी में नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप लोगों के एक कार्मिक कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, ठीक है। जो कार्मिक आपके डेप्थ थे वो क्लियर हो चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, आपको आपने जितना डार्क फेस देखना था वो देख लिया, देखिए मूव ऑन कर रहे हैं। ये इंसान यहाँ पे अंधेरे से निकलकर रोशनी को अप्रोच कर रहा है, मैंने कहा ना सन, और यहाँ पे जैसे सुबह का वक्त, और ये एक हल्के हल्के पतझड़ और पत्ते, जैसे आपको कुछ न्यू मिला हो अपनी लाइफ में, कुछ आपको राहत का सांस मिला हो, सुकून का सांस मिला हो, तो वो यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। अब ये चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी, अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अगर चीट भी कर रहा है तो करते रहे, और अगर नहीं कर रहा तो ना करे, इसकी मर्जी है, ठीक है। मतलब कि अब आप इस मैंने ये टॉपिक, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, टॉपिक तो ये चूज किया है, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे जिन लोगों की एनर्जी है, जिसमें मैंने टैप इन किया है, वो लोग इस चीज से बिल्कुल बेखौफ हैं, ये चीट कर रहा है तो करे, नहीं कर रहा तो ना करे, इसकी मर्जी है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, अगर चीट नहीं कर रहा तो आपसे क्या चाह रहा है? क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी ट्रुथ को फेस कर चुके हैं, उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के मुकाम पर हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, पास्ट पास्ट चैप्टर्स से बाहर आ रहे हैं, पास्ट चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं, जो पास्ट की आपकी कहानियां थी उनको बंद करने के लिए अब आप तैयार हैं, जिनको आप जकड़ के पकड़ के बैठे हुए थे ना, नहीं आप नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं, आप इसको खो देंगे तो आपकी लाइफ में क्या आएगा। अब आपको इस चीज की एक आपको जैसे ट्रस्ट हो चुका है डिवाइन पे, ये नहीं है तो कुछ और बेहतर जरूर है, ठीक है। डिवाइन ने आपको उस फेयरफुल सिचुएशन से बाहर निकाला है, ठीक है, कि अगर ये नहीं है तो कुछ और जरूर है और वो बेहतर है, ठीक है। तो इस बात का यकीन आपको हो गया है, आप डिवाइन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, अब बिल्कुल आप सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को सब कुछ। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? नाइन ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव है, बात नहीं कर रहा, ठीक है, हार्मनी चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर चैरियट, बिल्कुल एक्शन लेना चाहता है लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये यहाँ पर बात करना चाहता है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा आपकी तरफ। देखिए एस ऑफ कप, हील कर रहा है और एक हीलिंग लाना चाहता है, इस इमोशनली इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा जैसे क्रेव कर रहा है, इमोशनली इस पर्सन की क्रेविंग हो रही है, आप इस पर्सन के लिए जैसे ये सूखी बंजर जमीन और आप एक पानी से भरा हुआ गिलास,
इसकी नज़र में इस तरीके से आप, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप इसके लिए एक जैसे एक रेगिस्तान में किसी इंसान को पानी मिल जाए, आप इस तरीके के इस पर्सन की लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बात नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन अंदर से अर्ज फील कर रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ अपने इमोशंस को शेयर करे, आपके साथ अपना आप आपको बताए, अपने अंदर की बात आपको बताए, ठीक है, लेकिन डिफेंसिव एनर्जी में है, बात कर नहीं रहा। जो आप अपनी लाइफ में जो सब कुछ कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख जरूर रहा है, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है? नहीं भाई, स्ट्रांगली चीट नहीं कर रहा, इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर। किंग ऑफ कप की एनर्जी है, हैंग डे स्टक के आपके ऊपर, आगे बढ़ नहीं पा रहा। टावर मूवमेंट की एनर्जी है, द टावर, एक जो भी यहाँ पर जो स्टकनेस इस पर्सन ने बनाई हुई थी उसके ऊपर रियलाइज कर रहा है कि बिला वजह से इस कनेक्शन को इतना टाइम तक स्टक रखा, या तो इसने आपको जो पुश करा था अपने पीछे अपने पास से हटाया था, या जो इसने एक डिस्टेंस क्रिएट किया था, ये जो डिफेंसिव हुआ था तो इसने गलत किया था, ठीक है। ये आपके साथ इसने गलत एक एक अपने आप को ही इसने यहाँ पर जैसे रिजेक्ट किया था, आपको रिजेक्ट करने वाली इस टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा इसकी लाइफ में ज़रूरत आपकी थी, सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी आप इंसान है, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंट की एनर्जी सक्सेस चाहता है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है बैलेंस करना चाहता है, हील करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए। इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, लेकिन उन इमोशंस पे बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, उनको लेकर बैठा हुआ है, होल्ड बैक कर रहा है। क्या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे? क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? इसने पास में जरूर चीट किया आपको, ठीक है, एक जैसे इस पर्सन को इस बात की एक रियलाइजेशन है कि इसने गलत इंसान को रिजेक्ट किया, इसने चीट तो जरूर किया है, अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा, दिल की खुलकर बात नहीं कर रहा। देखिए, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर भी वो इमोशंस होने चाहिए जब भी आपके पास अपने इमोशंस लेकर आए, अगर जब ये आपको अपने इमोशंस बताए स्ट्रांगली। ये पर्सन अगर पास्ट में आपसे डिटैचमेंट पे था, अगर बात नहीं कर रहा था, तो अब रिकनसाइलेशन चाहता है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, ये चाहता है आप लोग के बीच एक पैशनेटिव कनेक्शन स्टार्ट हो, एक न्यू बिगनिंग आए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको कन्फ्यूज देख रहा है, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूज हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ कप यहाँ पर आपको अब ये सोलमेट काइंड एनर्जी में दिख रहा है, आप इसको अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट दिख रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ये चाह रहा है डिफेंसिव इसलिए हुआ हुआ, ऐसा ना हो ये पर्सन आपके पास आपके साथ कनेक्ट होने के लिए कोई एक्शन ले और आप वो लव, वो अफेक्शन, वो इस पर्सन को सिमिलरिटी प्रोवाइड ना कर सकें, वो बैलेंस ना दे सकें, ठीक है। उस वो बैलेंस इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप वो बैलेंस इसका डगमगा जाए। जिसको बैलेंस चाहिए, जिसको एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ये इसको उस चीज की नीड है, ठीक है। क्या ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको चीट कर रहा है? बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, ये पर्सन एक सोलमेट काइंड लव फील कर रहा है। अगर पास में एक्सेप्टेंस पे नहीं था तो आप एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन इसका बस इसका अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखने का मकसद ये है कि हर्ट नहीं होना चाह रहा, ठीक है, एक 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 बैलेंस चाह रहा है, एक बैलेंस चाह रहा है कि आप दोनों एक सेम पेज पे आ जाएं, आप दोनों एक सिमिलर लेवल पे आ जाएं, आप दोनों एक सिमिलर हो के एक एक, एक जैसे पैशन से स्टार्ट करें, क्योंकि आपके कनेक्शन में पैशन नहीं है, ठीक है, आपके कनेक्शन में पैशन नहीं रहा। आप अपनी आपकी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है, आपकी प्रायोरिटीज बढ़ चुकी हैं, ठीक है, दूसरी हो चुकी हैं, पहले ये था, ये पर्सन था, तो अब चेंज हो चुकी हैं, आपका नज़रिया ज़िंदगी को देखने का डिफरेंट हो चुका है, और ये पर्सन अब आपकी अब आपके साथ चाह रहा है कि कुछ कुछ न्यू क्रिएट करना, कुछ न्यू स्टार्ट लेना, कुछ न्यू आपके साथ कनेक्ट करना, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, थ्री ऑफ सोट की एनर्जी, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, ठीक है, हर्ट है, क्योंकि देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अब आप पीछे मुड़ के शायद नहीं देखने वाले, और कुछ अर्सा गुजरा कि अब आप पीछे मुड़कर वापस नहीं देखेंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अब आप पीछे या तो रुक भी नहीं रहे, ना आप स्टक नज़र आ रहे हैं, ना आप रुके हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को आप लगातार अपनी ज़िंदगी में एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन को नहीं लग रहा कि अब आप रुकने के माइंड में हैं, या तो आप रुकना आप चाहते हैं, ठीक है। क्या चाह रहा है ये पर्सन आपसे? लेट्स सी, देखते हैं क्या चाह रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर से, क्या चाहता है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर से इस टाइम फ्रेम पे क्या चाहता है? एक्शन, ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लें। फीलिंग ऑफ लॉस है, मैंने कहा ना, इमोशनली इमोशनली जैसे इस पर्सन को आपकी नीड है, अर्ज है, जिन इमोशंस को इसने रिजेक्ट किया था
उन इमोशंस के लिए, जैसे एक सहरा पानी के लिए तड़पता है, उन इमोशन के लिए ऐसे तड़प रही है इस वक्त, ठीक है? उन इमोशंस की इसको एक रियलिटी अब समझ में आ रही है, वो इमोशंस इसके लिए क्या वैल्यू कर रहे थे, क्या वैल्यू थी जब वो आप इसको फ्री फंड में दे रहे थे, ठीक है? जब आप इसको बिना मांगे वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे? स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल स्टार्ट करना चाह रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, कुछ न्यू बिगनिंग, हाई प्रेस्टेज, बहुत ज्यादा साइलेंट एनर्जी है, कोई मैसेज करना चाह रहा है, कोई टेक्स्ट करना चाह रहा है, लेकिन छोटी एक कोई मैसेज करके आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन इसका जो बैक ऑफ द स्टोरी माइंड है कुछ स्टेबिलिटी का, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड करने का, आपके साथ स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने का, ठीक है? बात नहीं कर रहा, आप ये मत सोचे कि मैं कह रही हूँ बात कर रहा है, नहीं, ये सब इसके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है? बात नहीं कर रहा, लेकिन अब आपसे लड़ना भी, लड़ेगा भी नहीं, लड़ना भी नहीं चाहेगा। इसकी इसकी एक जो, अगर आपको यहाँ पर ये जानना है कि ये इसकी निशानी क्या होगी, ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, आपसे लड़ेगा नहीं, ठीक है? इस टाइम ये आपसे लड़ना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी। ये पर्सन आपसे इस टाइम क्या चाह रहा है? सिक्स ऑफ सोर्ड, ये चाह रहा है आप दोनों कामोडिटी की तरफ मूव करें, पास्ट की चीज़ों को छोड़ें, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट की चीज़ों को अपनी जिंदगी से हटाएं। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो चुके हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप कंप्लीटली यहाँ पर अपने लिए अब आप फाइट करना जान चुके हैं, अब आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपकी आपको स्ट्रांगली इस एनर्जी में देख रहा है, ठीक है? लेकिन ये चाहता है अगर आप दोनों एक साथ आए तो एक सेम पेज हो, ठीक है? ये आपसे क्या चाह रहा है? ये आपसे चाह रहा है अपनी अपनी इंट्यूशन को सुने। देखें, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट हैं, ठीक है? ये जो आप जब से चीख चीख के कह रहे थे हम एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हैं, तो ये पर्सन चाह रहा है कि आप यहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट होकर इस बात को सुने कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रही है, ठीक है? यहाँ पर ये आपको अपने बिल्कुल स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज्यादा आप पेंटिकल्स अर्न कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह आपको देख रहा है। यहाँ पे दो काउंटर पार्ट निकल के आए, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है कि पास्ट के ब्लॉकेजेस इस वक्त इस कनेक्शन को खराब कर रहे हैं। पास्ट की जो ब्लॉकेजेस रही है ना, उसकी वजह से यहाँ पे डेथ हुई है। इस पर्सन ने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रांगली तभी ब्लॉकेजेस आई थी। इस पर्सन के ऊपर पास्ट का बर्डन है, इसने किसी और को चूज किया था, जब आपको रिजेक्ट किया था तो इसकी लाइफ में ऑप्शन था। इस पर्सन ने किसी और को जरूर चूज किया था आपके ऊपर, ठीक है? ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है? हाँ, लवर, ये पर्सन इस कनेक्शन में हीलिंग चाह रहा है। ये इस खत्म हुई हुई सिचुएशन को हील करना चाहता है। इसको पता है ये पास में ही खत्म करके गया था किसी और के लिए इस कनेक्शन को, लेकिन अब चाह रहा है यहाँ पर एक हीलिंग हो, ठीक है? यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो, यहाँ पर एक न्यू लेवल से आप लोग चीजें स्टार्ट करें और एक बिगनिंग की तरफ जाएं, ठीक है? मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन के लिए? आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन के लिए? आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन से इस वक्त? आप चाह रहे हैं आपको टेक्स्ट करें, मैसेज करें, ये अपनी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी दे, ठीक है? आपको यहाँ पर आपको अपने तरफ की एक क्लैरिटी दे, यहाँ पर ये क्या चल रहा था, ठीक है? आप जो परेशान रहे वो क्यों रहे, जिसने आप इस पर्सन ने जो आपका हार्ट ब्रोकन किया, आप चाहते हैं आपसे अपॉलॉजी या उसके लिए शर्मिंदगी जाहिर करें, उस चीज की माफी मांगे आपसे, ठीक है? आप भी टू ऑफ कप्स चाहते हैं, आप इन सब चीजों को सेट करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं इसकी तरफ से कोई यहाँ पर आपको सॉलिड और कमिटेड ऑफर मिले और एक बैलेंस आई, अपनी गलतियों को समझे, ठीक है? यहाँ पर आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप भी हीलिंग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे, ठीक है? बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके माइंड में थॉट प्रोसेस में ये पर्सन चल रहा है। ये आप चाह रहे हैं पर्सन अब जो एक स्लो प्रोसेस था ना, उसको फास्ट कोई एक्ट करे, ठीक है? यहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि ये पर्सन आएगा। बहुत ज्यादा आप डायलेमा में, आप रीडिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर आप इस पर्सन का खड़े रहकर वेट नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप सेंसिबल हो चुके हैं, सोच समझ कर अपनी जिंदगी के लिए फैसले कर रहे हैं, ना अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ना आप कोई और यहाँ पर अब पास वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहते। एट ऑफ पेंटिकल, स्ट्रांगली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं आप, इमोशनली एक आपके अंदर वो वाली एनर्जी नहीं है। आपको डाउट जरूर है होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको इतना जरूर पता है जो कुछ भी पास्ट में हुआ, अब आप एक फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं आएंगे, ठीक है? आप चाह रहे इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है? अब आप अकेले यहाँ पर
पर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे, आप एक फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रनर चेजर का गेम नहीं चाह रहे, आप नहीं चाह रहे ये आप जाएं इस पर्सन के पास और ये आपको डिफेंसिव मिले, ठीक है। आप ये चीज आप क्योंकि आप इस सब चीज़ों से कहानियों से निकल चुके हैं, आप एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में, तो आप एक एम्प्रेस आपका है ख्वाब यहाँ पर एक फैमिली बनाना टेन ऑफ कप्स की, आप वहाँ ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे जो आपको एक एम्प्रेस या एम्परर की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं एक गुड ट्रीटमेंट अपने साथ, एक मेन आपका जो मोटिव है ये है, ठीक है। अगर ये पर्सन को आपसे बात करनी है तो बहुत ज़्यादा एक तमीज़ और तहजीब के तरीके से आपसे बात करें, मतलब कि एक रिस्पेक्ट देकर बात करें, अदरवाइज यहाँ पर आप खामोश रहेंगे, होल्ड बैक करेंगे। अगर ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, आपको पता ही आपको फिर प्यार भी नहीं दे सकता। आपको मैरिज करनी है, ठीक है, आपको कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप वहाँ टीम वर्क करेंगे जहाँ से भी आपको कोई स्टेबल और कमिटेड ऑफर करेगा जो आपको एक बैलेंस देगा, ठीक है। आप स्टकनेस से निकल चुके हैं, फीलिंग ऑफ लॉस से निकल चुके हैं, जो रिजेक्शन का फेस था वहाँ से निकल चुके हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी जिंदगी में न्यू चीजों को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपको इस टाइम फ्रेम पे चीट तो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी डिमांड ये है कि आपको रिस्पेक्ट दे, ये पर्सन इज्जत दे, अपनी गलतियों की माफी मांगे, आपको इंसान समझे, ठीक है। आपको नहीं पता ये होगा या नहीं होगा, आप डायलेमा में हैं, आपको फेयर नहीं है, अब आपको लगता नहीं है कि पता नहीं चीज़ें बेहतर हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे मतलब कि रुक नहीं रहे, जो पहले पास में आप स्टैग्नेंट थे ना, हैंगमैन की एनर्जी थी, अब आप रुकना नहीं चाह रहे, दिनाओ, ठीक है, ये टाइम है आपका ना रुकने का, ठीक है, अब आपको चलते रहना है। द गॉड काइंड, ठीक है, यहाँ पे है आप एक जो काइंड हार्टेड है ना, तो ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रही है, आपको अपने काइंड हार्ट जो आपका एक काइंड हार्ट है ना, उसको कभी भी आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। आपका जो लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई कोई क्लैरिटी आपको अनएक्सपेक्टेड वे में मिल सकती है इस पर्सन के रिलेटेड, या तो यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में कोई आपको कुछ प्रपोजल दे सकता है, ठीक है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ठीक है, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं करना जो यहाँ पर आपको इस सिचुएशन से हट के लगे, ठीक है। खुश रहें, इंजॉय करें, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, उसको इंजॉय करें, ठीक है। आपको स्ट्रक नहीं रहना, यहाँ पे स्ट्रक रहने का मना करा जा रहा है, आप जो आपके जो चल रहा है, आप यहाँ पर यू आर एपिक, ठीक है, यहाँ पर आप चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते रहें, आपके पास क्लैरिटी है, आपकी लाइफ में आपको पीस मिल चुका है, यहाँ पर आपको वो बर्डन आपसे हटा दिया गया है, ठीक है। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई न्यू पोटेंशियल है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू डोर्स हैं, ठीक है। फीड योर आर्टिस्टिक, ठीक है, यहाँ पे आप कोई आर्टिस्टिक माइंड रखते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक माइंड है, या तो यहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें और चूज जो करें आप अपने सेल्फ के लिए करें, ठीक है, ऐसी चॉइसेस मत करिएगा जो आपको पास्ट में जा जैसे जो आपको पास्ट में ले जाए वापस, या पास्ट वाले बर्डन में ले जाए, ठीक है। चूज करें वो जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके आने वाले वक्त के लिए अच्छा हो, ये आपके लिए एडवाइस है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।